महाराष्ट्र में शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के बीच सरकार गठन को लेकर नई बात सामने आ रही है। राज्य में सरकार गठन को लेकर तीनों ही राजनीतिक दलों के 5-5 सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया गया है। एनसीपी विधायकों से अजीत पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में सरकार जरूर बनेगी। उन्होंने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने पर भी उन्हें मजबूत रहने को कहा। पार्टी के सब विधायकों की हुई है, उसके बारे में पवार साहब जी ने हमें बताया, हमारे हाईकमांड ने बताया कि हमारी एक कमेटी उन्होंने तैयार की है। जयंत पाटिल, मैं, छगन भुजबल साहब, धनंजय मुंडे जी और एक कोई है, ऐसे 5 लोगों की, और उस 5 में कांग्रेस के उसमें 5 लीडर रहेंगे महाराष्ट्र के, उनके साथ हम बात करेंगे। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्द बात करने का हमारा सबका इरादा है, और उसके बारे में डिसीजन जयंत पाटिल हमारे पार्टी प्रेसिडेंट और बाला साहेब थोड़ा कांग्रेस के पार्टी प्रेसिडेंट ने दोनों ने मिलके लेना है। हम उनको रिक्वेस्ट करने वाले, आज रात को बैठना है तो आज रात को भी बैठने की हमारी तैयारी है, या कल परसों क्या कब सब मिलके तय करेंगे वैसा हो जाएगा। दादा कितने जल्द से जल्द निर्णय हो सकता है, पार्टी की इच्छा कितने जल्द हो? नहीं, हमारे और कांग्रेस के बीच तो बहुत जल्द डिसीजन हो सकता है, लेकिन उसके बाद जिनके साथ बात करनी है, समझो शिवसेना के साथ, तो शिवसेना भी हमारे साथ क्या बात करनी है उसके बारे में डिसीजन लेगी, और हम कांग्रेस हम मिलके उनके साथ बात करेंगे। अभी तक शिवसेना ने सर क्या बात किया है? अभी कुछ नहीं बात की। उस दिन पवार साहब उनको जाके मिले और मैडम को उद्धव जी ने फोन करके कुछ बताया, उसके बाद ये सब डेवलपमेंट शुरू हो गई। आज हमारे सभी विधायकों ने बताया जितने जल्द से जल्द हो सके उतने जल्द से जल्द करना चाहिए। मेरा भी खुद का कहना है कि नया साल शुरू होने से पहले अपने या महाराष्ट्र में गवर्नमेंट आना चाहिए।